गगहा में सोमवार सुबह एक ट्रक और बस की टक्कर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर यशवंत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 10 अन्य लोग भी घायल हो गए। गगहा भलुआन के बीच पुलिया के पास सरौली से प्रयागराज जा रही रोडवेज बस बड़हलगंज की ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गई। ये दुर्घटना सुबह करीब 7 बजे हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने यशवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायलों में राम प्रवेश सिंह, गिरीश सिंह, राम आश्रय, आर एन मिश्र, धर्मेंद्र मिश्र, त्रिपुरेश, मोनू शर्मा, सुमन, जितेंद्र, अंगद सिंह और विशंभर शामिल हैं। इसमें अंगद सिंह और विशंभर को छोड़कर अन्य सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल के परिजन धर्मेंद्र कन्नौजिया, घायल जितेंद्र कन्नौजिया व SP साउथ विपुल श्रीवास्तव ने कहा, हटाओ। कैसे हुआ एक्सीडेंट? इधर से बहुत सारा था, इधर से जान से भी दिल्ली से हमारा नाम है धर्मेंद्र। आ रहे थे 12 बजे करीब में निकले हुए थे। उसके बाद में सुबह को आते आते गगहा पे वहीं गगहा पे बस है, जो बस ने ट्रक ने टक्कर मार दी थी वहाँ पे। हाँ, आगे का पूरा पोर्शन खराब हो गया है बस का। आप अंदाजे तो नहीं बता सकता, वैसे गाड़ी तो 8-10-12 तो घायल हुए हुए हैं, उसमें से शायद दो आदमी एक्सपायर भी हो चुके हैं। जितेंद्र, हम लोग आ रहे थे आनंद विहार से, दिल्ली से। ये आते गोरखपुर उतरा, गोरखपुर से पकड़ा लाल वाली बस, आते ये क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया उसका, अरे नाम क्या था उसका, गगहा। गगहा में एक्सीडेंट हो गया सुबह 6:15 बजे। पता ही नहीं चला कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग तो सो ही रहे थे, पता नहीं कैसे हो गया। मेरा जिला गोरखपुर है। अस्पताल अब एम्बुलेंस से आए हूँ, सरकारी इमरजेंसी। कौन भिजवाए? भिजवाए हैं पुलिस वाले, भिजवाए हैं। वैसे रहता थे आज मैं मुकुंदपुर में, वो भी मैं तबीयत खराब थी मेरे सास की, तो मुझे आना था, तो वही चला रास्ते में आया, हादसा हो गया। देखने के चक्कर में अपना ही अपना देख दिया। गगहा थाने क्षेत्र में आज एक सुबह
बस और रोडवेज की बस थी और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो कि बाद में पता चला कि वो विश्वविद्यालय में टीचर हैं, प्रोफेसर, और 10 व्यक्ति घायल हुए हैं।